भूख लग रही है, जल्दी से देखती हूँ फ्रिज में क्या है। आई होप कुछ अच्छा खाने के लिए हो। कॉर्ची प्लीज। गॉड, करेले की सब्जी। अरे यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा खाने को ही नहीं है। फ्रूट्स मुझे नहीं खाना है गॉर्जी। मैं इतनी रात को कौन फोन कर रहा है मुझे? सैमी का वीडियो कॉल। इसने मेरा फोन काटा था और उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था। अब इसको पूछती हूँ। सैमी, एक मिनट। पहले तो तुम मेरा फोन काटते हो, ठीक है? दूसरी बात, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आता है और अभी तुम मुझे वीडियो कॉल। तुम्हारे हाथ का सैंडविच है। तुम भी किचन में हो क्या? मैं भी किचन में थी। मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लूं। वो सिस्टी, मेरे फोन की ना बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर गाड़ी में ही छोड़ दिया था, इसलिए मैं लेने गया था चार्जर। अब बहुत तेज भूख लग रही थी तो यहीं से फोन कर लिया। समीर दी, भाभी मैं सिस्टी से ही बात करूं वीडियो कॉल पर। तुझे यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ भाभी? वो अक्षय है ना, उसने पहले मुझे फोन किया और कहा कि मुझसे मिलना चाहता है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है। फिर भी वो घर आ गया और पता है कृतिका के सामने ऐसा दिखा कि जैसे कृतिका को मिलने आया है, लेकिन उसके सामने खड़े होकर मुझसे इनडायरेक्टली बात कर रहा था। इनडायरेक्टली बेसिकली मुझे टॉन्ट कर रहा था, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था कि कैसे उसने हमारा प्लान, उसकी सच्चाई सामने लाने वाला, फेल कर दिया और अब हर मोमेंट हर कदम पे वो ही विन करेगा। अरे दी, जीता है ना तो बोल बच्चन तो करेगा ही वो, और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट तो है वो, तो उसको ना अपना जीत का जश्न बनाने दो। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी, ये फोटोग्राफ्स कब चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए? यही तो तुझे बताने लगी हूँ। इतना घमंड आ गया उस इंसान में कि उसने मेरे सामने अपने मुंह से ही बता दिया कि उसने कैसे सारे प्रूफ चेंज कर दिए। क्या बात कैसे क्या बोला उसने? याद है तुझे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ऑटो में थे तब। वो एक्सीडेंट एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, उसने कराया था। वो ट्रक जिसने हमारे ऑटो को हिट किया था, वो ट्रक उसने भेजा था, उसके अंदर बैठे हुए दो इंसान वो उसके थे। और उन्हीं दोनों ने हमारे पास जो प्रूफ थे उनको एक्सचेंज कर दिया। ओके, समझ में आ गया, लेकिन उन लोगों ने फोटोग्राफ्स एक्सचेंज कब किए, बदली कब किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम ऑटो से गिर गए थे, 5-7 मिनट हमें लग गए थे सोचने संभलने में कि हमारे साथ हुआ क्या है, और उतनी देर तक हमारा सामान हमसे दूर गिर गया था। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बस वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी हमारे आसपास, उसमें वो दोनों लोग भी थे जो अक्षय ने भेजे थे। उनमें से एक ने हमारा वो फोटोग्राफ्स वाला एनवेलप चुरा लिया और पेन ड्राइव चेंज कर दी, और दूसरे ने हमारे फोन्स में से सारा डेटा डिलीट कर दिया, और इस तरह हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहा। अक्षय तो दिन ब दिन शर्लिन की तरह खतरनाक होते जा रहा है, इसे कुछ करना पड़ेगा अपने को। ये भाभी, ये अक्षय बहुत ही शातिर लड़का है, वो सब कुछ कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। और सोचो, इसी लड़के से हमारी कृतिका की शादी होने वाली है। अगर ये शादी हो गई तो बेचारी कृतिका की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लड़के से शादी हो गई तो वो कृतिका को टू टाइम ही नहीं कर रहा है, धोखा ही नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत कुछ और भी गलत कर रहा है। सही कह रहे हो दी, कल सुबह चूड़े की रस्म है ना, और शाम को शादी है सृष्टि। तुम्हें बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, तो शादी रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, एक दिन। सामी तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। अगर हमने इस एक दिन में कुछ नहीं किया तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ये शादी कभी भी रोक नहीं पाएंगे। रोकेंगे सृष्टि, रोकेंगे। और अगर इस शादी को नहीं रोक पाए और कृतिका की शादी इस घटिया इंसान अक्षय से हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लगेगा जैसे मेरी गलती की वजह से कृतिका की लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक, हम ही नहीं होने दे सकते।